हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्पॉटी व्लॉग्स। मैं आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग का प्लान सीताफल जाने का था, बट फिर से हम लोग का प्लान वो डाइवर्ट होकर के पारसनाथ की तरफ है। और हमारे आज के मतलब आज के गाड़ी में इधर साहेब, देख लीजिए भाई साहब, ये साहेब पीछे टिकटॉक स्टार शादाब शाहिद, और सबसे पीछे जो ब्लैक चश्मा पहने आप लोग तो उनको जानते ही होंगे, पिछले ब्लॉग के सबसे फेमस स्टार इशान। इशान भाई आज कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताएंगे आप? आज पारसनाथ, और वहीं रुकना है आज रात, कल सुबह में लौटेंगे क्योंकि चलने के बाद चलने का तो रक्षा नहीं है, क्या चल पाएंगे हम लोग। जनाब आप कुछ बोलना चाहते हैं? हम क्या बोले, हम तो पहली बार है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये तो टिकटॉक स्टार है और इंस्टाग्राम भी स्टार है। शाहिद को कतरा से रिसीव किए क्योंकि वो धनबाद से तो हम लोगों के साथ नहीं था, कतरा से उनको रिसीव किए। और आज हम लोगों के साथ मैं आपको न्यू पर्सन को दिखाता हूँ जो टिकटॉक स्टार है, ये शद्दू मेरा छोटा भाई जो टिकटॉक स्टार है। आप कुछ बोलो। आई एम शदाब डॉट के मेरा इंस्टा आईडी है। और आज हम लोग गाड़ी में हमेशा की तरह AR साहेब, आज नेताजी को आप दिखाते हैं अपने न्यू लुक में। आज इरशाद भाई ऐसा है ना, मतलब बहुत स्ट्रगल करके आज पारसनाथ लेके जा रहे हैं और सबको फोन करके उठाए हैं इरशाद भाई। और ये देखिए, मिलिए इरशाद भाई से। और हमारे शाहिद संतालिया साहब को मैं गॉगल्स दिखाता हूँ, यूनिक है। हेलो गाइस, शाहिद भाई कुछ बोलना चाहते हैं? आज हम लोग टूर पे निकले हैं पारसनाथ के, इरशाद के बारे हमारे नेताजी जो हमारे बीच में है, ये बस इनका जो लुक है यही लुक सबसे खतरनाक है। इरशाद भाई आज हमेशा की तरह पेट्रोल का पैसा देने के लिए, आज हमेशा की तरह कौन पैसा नहीं दे रहा मेरा भाई, क्योंकि हम लोग तीन दिन पैसा हो गया है। अगर यहाँ पे शाहिद जो है ना, संभालिए जिसको बोलते हैं तो, हाँ तो बेचारे पैसा निकालने के लिए सोच रहे हैं, टाइम टाइम ऑफ वेस्ट मनी है। शाहिद भाई हमारे साथ फ्रॉड हुआ है आज, क्या लग गया सीताफल जाएंगे और ये इन्हें हमें लेके जा रहे हैं पारसनाथ, जिसके कारण गाड़ी में तेल भराने का पैसा हमारे तरफ से नहीं सके। नहीं शाहिद भाई पैसा तो देना पड़ेगा, नहीं दिया जाएगा, आपने गलत। यहाँ पर देख, हम लोग अभी ऊपर एक पहाड़ पर लगभग पहुँच ही चुके हैं। शाहिद आराम से, आराम से शाहिद, सन्नी और बैक इधर आगे, इरशाद पीछे, अजीम और शहबाज लगभग पहुँच ही चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके नीचे का व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है, मैं दिखाता हूँ, पता नहीं आप लोगों को दिखेगा या नहीं दिखेगा पता नहीं, बट जो भी है कैसा व्यू दिख रहा है इरशाद? बहुत अच्छा। शाहिद कैसा लग रहा है? बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, आप लोग व्यू देखें यहाँ से नीचे का, पूरा रोड दिख रहा था, देख बादल, देख बादल आ गया पूरा, मोर गाड़ी आगे लगा, ये पूरा बादल दिख रहा होगा आप लोगों को नीचे का व्यू। अभी नेशनल हाईवे दिख रहा था, पूरा नेशनल कोलकाता न्यू दिल्ली हाईवे, बट अभी बादल आ गया तो वो पूरा छिप गया। कैसा लग रहा भाई? बहुत मजा आ रहा भाई। आप सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड लोग आना सक्सेस रहा आज का, मजा आया, फिर दोबारा फिर आएंगे, दोबारा आएंगे यहाँ पर। ये पैसा नहीं दिया तेल का, हाँ तो नहीं दिया तेल के जा रहा है यहाँ पे। इन लोगों का व्यू हम ही बताएं, यहाँ पे अच्छा व्यू है, ऐसे इन लोगों व्यू के बारे में मालूम नहीं था। पीछे देख सकते हैं व्यू बहुत ऊपर, हम लोग आ गए हैं, ये बादल है ऊपर नीचे का देखना, आप लोग व्यू देख सकते हैं, हल्का हल्का बादल बादल दिख रहा है। और शादाब शाहिद लोकेशन है, कैसा लग रहा है लोकेशन? बहुत खूबसूरत, वैसे भी बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। अब लोग ऊपर देखें, रुकना नहीं है, वाह वाह,
आप लोग जो वीडियो में हल्का धुआं धुआं टाइप का देख रहे हैं, ये एक्चुअली ये बादल है और मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना अच्छा लग रहा ना, सोचा नहीं था कि इतना मज़ा आएगा। कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को वीडियो में अब ब्लर दिखता होगा, ये देखिए बादल क्या व्यू है और इतना ठंडा हवा आ रहा है, क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या अरसान, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा है और हम लोग सभी दोस्त काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, मतलब फुल एंजॉय कर रहे हैं, इतना मज़ा है। अब मिला हम लोगों को पक्का रूट, ये अभी भी हम लोग पारसनाथ पहाड़ पे पूरा फाइनल नहीं चढ़े हैं, अभी भी कुछ दूर है, कुछ किलोमीटर है, फिर भी मेरे पीछे का व्यू देखें, बादल से कुछ नहीं दिख रहा। हमारे दोस्त शाहिद भाई टिकटॉक स्टार शादा, देखिए यही शाहिद भाई है जो पैसा नहीं दिए हैं, समझे इसको अच्छे से देखिए। आप खास कर फुल्ली केयरफुली रहे क्योंकि आप दो दो जगह बचे हैं। अबे देख ना कहाँ है, ये हमारे सन्नी दिलीप काफी हैंडसम लग रहे हैं, काफी हैंडसम है, अबे झोंक ले इधर, इंतजार कर। आसिफ भाई स्पॉटी ब्लॉग के, सन्नी भाई आप जो पैदल आ रहे हैं, लड़का इसको गौर से पहचानिए, देखिए गौर से पहचानिए, पैदल चढ़ने वाले, हमको लगा कि कहीं बगल में, इसलिए हम पैदल, मैं राय गलत था, उलझ बात है। आप जो गुस्सा में पैदल आ रहे थे, आपको लग रहा था कि पैदल आप चढ़ सकते हैं, आने पहुंचने वाला है कि नहीं, मेरा फैसला गलत था, है तो वीडियो में सॉरी बोले, सॉरी, हाँ सॉरी गाइस, फैसला नहीं आपका, हौसला भी गलत था। अब बाइक छोड़ करके हम लोग पैदल चल रहे हैं, अब वहाँ से जहाँ पर बाइक स्टैंड की है वहाँ से बाइक आगे नहीं जा सकती है, नहीं 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 रोड से चली ना डोली, देखिए यही हम लोगों का सारा ग्रुप है और सब अब हम लोग पैदल ही चल रहे हैं। सन्नी भाई को एहसास हो रहा है कि पैदल हम लोग ऊपर नहीं आ पाते, सन्नी के मुंह से खुद से हमको तो लगा कि भाई बगल में चढ़ जाएंगे, लेकिन इतना यहाँ से जब नीचे देख रहे तब लगा कि भाई मेरा राय गलत था, अगर हम पैदल आते तो बीच में कहीं सो जाते। जो भी बोला जाए पारसनाथ टूर करने में बहुत मजा आ रहा है, क्या बोलता है सन्नी, बहुत अच्छा लग रहा है, पैसा वसूल, पैसा वसूल शायद भाई, पैसा डबल वसूल। नेक्स्ट टाइम फिर प्लान कभी, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंथ पकड़ लो, अगर नेक्स्ट मंथ, बट जो भी है सच में बहुत मजेदार व्यू है, लोकेशन भी काफी अच्छा है। शाहिद और सन्नी बाइक से नहीं पैदल चढ़ना चाह रहे थे, तब इन साथ में आसिफ भाई भी, तो इन लोगों को समझ, एक घटना देख करके बहुत थक गया ऊपर चढ़ते चढ़ते, कुछ चाय पानी बिस्किट हो जाए, जो हम लोग सारे दोस्त यहाँ पर है, थका है सब, मज़ा आ गया पैदल चढ़ने का, जो ऊपर हम लोग का सपना था ना वो शायद कभी अपना नहीं हो सके, मज़ा आया, हाँ मज़ा आ गया, मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत थक गए, थक तो गए थोड़ा सा, पकौड़ी वकड़ी खाएंगे और इधर चाय बिस्किट और नमकीन कुछ खा लेता हूँ क्योंकि बहुत थक गया हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। देखिए भाई हम पैसा लगा के खा रहे हैं, पार्ले जी में यहाँ पर सबका पार्टी चल रहा है, नेताजी देखिए महंगा पहाड़ है, क्या बोले सदा, बहुत महंगा पहाड़ है, 10 वाला 20, देखिए साथ जी देखिए कैसे खाए गए, पानी देना बल्लू, लड़का है जो पैसा पूरा सबका खर्चा उठा रहे हैं और आगे भी खर्चा सबका उठाएंगे, लेकिन सबको सुना करके सुनाना नहीं चाहिए, खर्चा करने वालों का भी सुनाना नहीं चाहिए, खर्चा कर रहे हैं सुना सुना के, चाय पिला रहे सुना सुना के, ताना दे करके, ये बहुत गलत बात है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं ना कहना।
हम लोग बहुत थक गए ऊपर चढ़ते चढ़ते यार। कैसा लग रहा चढ़ने में शायद? कैसा लग रहा भाई? खराब हो गया ऊपर चढ़ते चढ़ते। साथ भाई फोटो लेते, यहाँ पर सब कुछ जमा करना होगा, बेल्ट भी बोला है जमा करने के लिए। क्या बोलते आप? जमा करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर आते आते जो है ना पैंट ऐसे ही सबका ढीला हो गया, इसलिए आप बेल्ट उतारना नहीं चाहते हैं? नहीं। कुछ दोस्त लोग को देखिए ऊपर चढ़ करके क्या हालत है। नहीं, मेरा भी हालत बहुत खराब है भाई। और फाइनली हम लोग पारसनाथ मंदिर पहुंच गए। ये वो पारसनाथ मंदिर है और इरशाद भाई लोग ऊपर से वापिस आ रहे हैं। मंदिर के ऊपर हम लोग फाइनली पहुंच गए और हालत खराब हो गया, बता नहीं सकता कितना थक गया और नींद भी बहुत जबरदस्त आने वाली है। और ये मेरे पीछे का व्यू है, क्या नजारा है बादल का। आप लोगों को बादल दिखता होगा। होए 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 होए। हम लोग वापस जा रहे हैं पारसनाथ, घूम लिए, बहुत मज़ा किए, बहुत इन्जॉय किए। अब यहाँ से हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, अब नीचे जा रहे हैं। नीचे का भी मैं उतरने का व्यू मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए सन्नी भाई को, आप लोग कमेंट करें कि सन्नी का लुक अभी किस तरह लग रहा है। कितना कितना बिस्किट मिलेगा? अरे 500 का नोट निकल जा रहा है यहाँ पे, देखिए गांधी जी 500 का नोट निकाले हैं। गांधी जी को देखा, 500 का नोट गांधी जी बालक लोगों, बाबलो बाबलो क्या हुआ था लास्ट वीडियो में? क्या हुआ था बेचारे? कपड़ा खुलवा दिए थे, बेल्ट खुलवा दिए थे बेचारे का। कमेंट कर रहे हैं, अच्छा अच्छा आदमी लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई गैस को गोली कहां से लाए। हम लोग का आधे रास्ते में बाइक खराब हो गया, मैं वॉक कर रहा हूँ और इरशाद भाई को देखिए। क्या इरशाद, बहुत बुरा आ गया, बाइक खराब हो गया। आसिफ भाई साहब कुछ बोलेगा भाई? साहब क्या रहे, अपना गाड़ी खेल रहे हैं पहाड़ के ऊपर। देखिए ये लोग उसका इरशाद भाई फोटो देख ले, ये देखिए बीच जंगल में इरशाद की जो गाड़ी खराब हो गई है। और ये आसिफ भी पार्टनर है, आसिफ भी पार्टनर है, मगर इसके टांग खींच रहे गाड़ी वही ले जाएंगे आसिफ, इसके टांग खींच रहे हैं, याद रखिए यही गौर से लड़का को पहचान लीजिए। अब आप गाड़ी